फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू स्वस्तिक अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। इट्स मी भगवती पांडे योर सोशल साइंस टीचर। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 10 पार्ट 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया एग्रीकल्चर। लास्ट के जो प्रीवियस टू लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको कई पॉइंट्स चैप्टर से रिलेटेड समझाए, जैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग था फर्स्ट लेक्चर में समझाया था और फार्मिंग मेथड थे। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया में सारे फूड ग्रेन्स एक्सप्लेन किए थे। अभी आज मैं आपको ऑयल सीड से पार्ट 3 में एक्सप्लेन करूंगी। हमारे ऑयल सीड्स ग्राउंड नट सीड्स एंड मस्टर्ड कोकोनट कैस्टर ऑयल, फिर उसके बाद और बेवरेजेस टी कॉफी कोको देन कैश क्रॉप्स कॉटन शुगर केन जूट टोबैको रबर, यहाँ तक मैं पार्ट 3 में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। ऑयल सीड्स ग्राउंड नट टिन सोयाबीन कैस्टर मस्टर्ड सनफ्लावर एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी ऑयल सीड्स। दे होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द इंडियन मील। आफ्टर एडिबल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड्स द रिमेनिंग ऑयल केन इज यूज्ड एज एडिबल फाउडर एंड ऑल्सो एज बायोटिक मैनर। ये सारे हमारे जो मैंने नाम लिया आपको ग्राउंड नट टिन सोयाबीन कैस्टर मस्टर्ड सनफ्लावर, ये हमारे देश में इसको एज अ ऑयल सीड यूज किया जाता है क्योंकि इनका हमारे खाने में मील में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे इंडियन मील में। और जो इसके बचा हुआ एक्सट्रैक्ट होता है उसके ऑयल बनाने के बाद तो उससे हमारा जानवरों का चारा और खेती में खाद के लिए उसको यूज किया जाता है। इसी तरह से ग्राउंड नट होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन ऑयल सीड्स। ब्लैक वाइटर एंड अ मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी सॉइल लैंड विच वुड नॉट रिटेन वाटर 20 degrees to 25 degrees Celsius टेम्परेचर एंड 50 to 70 centimeter रेनफॉल आर फेवरेबल कंडीशन। ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है कि इसका वाइट कलर मिक्सचर लोमी एंड सैंडी सॉइल होना चाहिए, साथ साथ ब्लैक होना चाहिए और इसमें जो 20 से 25 डिग्री तक का टेम्परेचर होना चाहिए, साथ ही साथ 50 to 70 centimeter रेनफॉल की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और ग्राउंड नट जो है वो खरीफ क्रॉप माना जाता है, इसके लिए इरीगेशन फैसिलिटी चाहिए। इट कैन बी सोन ड्यूरिंग समर और समर में भी इसको उगाया जा सकता है। गुजरात आंध्र तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र जो इसके मेजर प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट के, और भारत का रैंक सेकेंड है चाइना के बाद विश्व में ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में। गुजरात लीड्स कंट्री इन ग्राउंड नट प्रोडक्शन। जूनागढ़ गिर सोमनाथ अमरेली राजकोट भावनगर एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस ग्राउंड नट। ग्राउंड नट ऑयल एज एडिबल ऑयल इज यूज मोर इन गुजरात। बच्चों ये सारी जगह जो हमारी अभी मैंने आपको नाम बताया जूनागढ़ से लेकर भावनगर तक यहाँ काफ़ी मात्रा में ग्राउंड नट प्रोड्यूस किया जाता है और हमारे यहाँ गुजरात में इसको खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सीसेम और तिल, तिल ऑयल इज यूज इन इंडिया सिंस एज बहुत पुराने समय से इसको यूज किया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया इट इज रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप। नॉर्थ इंडिया में ये बारिश के कारण उस समय जब इसको लगाया जाता है तो खरीफ क्रॉप के नाम से जानी जाती है, और साउथ इंडिया में इट्स नोन इन एज रबी क्रॉप एज ओकेशनली एज जे क्रॉप ऑल्सो। साउथ इंडिया में रबी और जे दोनों टाइम पे इसको उगाया जा सकता है। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ग्रो तिल, ऑलमोस्ट सभी स्टेट जो है वो तिल को उगाते हैं। एमंग ऑल ऑयल सीड्स टिल हैज मोर कंटेंट ऑफ ऑयल इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज यूज्ड एज एन एडिबल ऑयल। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ तिल आर गुजरात तमिलनाडु वेस्ट बंगाल कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश स्टेट्स। और जो पूरे विश्व में इसको खाने के तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से इसकी काफ़ी डिमांड है वर्ल्ड वाइड। गुजरात का फर्स्ट रैंक है हमारे प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश।
कस्टर्ड पाया जाता है, यानी कि सरसों का। कोकोनट, कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट एंड सैलाइन लैंड, जहाँ पर कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और सैलाइन लैंड होती है, यानी कि जहाँ की कंपैरेटिवली थोड़ी सैलाइन लैंड मानी जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट को ग्रो किया जाता है। इन इंडिया द कोकोनट प्लांटेशन आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा। बच्चों सैलाइन वाटर समुद्र का होता है, इसलिए कोस्टल एरियाज की लैंड भी सैलाइन होती है, क्योंकि नमकीन पानी के कारण लैंड भी, वहाँ की जमीन का भी जो होती है से नमकीन हो जाती है। और गुजरात में कोकोनट कोस्टल रीजन में उगाया जाता है। अ स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री विच इज शॉर्टर एंड गिविंग मोर यील्ड इज डेवलप्ड, जो कि छोटा साइज में और काफ़ी उस पर कोकोनट लगे, ऐसा यहाँ पर डेवलप किया गया है ट्री कोकोनट का इन साउथ इंडिया। कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कर्नल इज यूज एज एडिबल ऑयल, और साउथ इंडिया में इसको खाने के रूप में यूज किया जाता है। सेंट वाटर इज यूज एज अ हेल्दी ड्रिंक, और सभी इसके पानी को कोकोनट वाटर को एज अ हेल्दी ड्रिंक पीते हैं वर्ल्ड वाइड। कैस्टर ऑयल, कैस्टर इज ऑल्सो नोन एज दिवेल लोकली, जो कैस्टर को हमारे गुजरात में लोकली दिवेल के नाम से जाना जाता है। इट इज बोथ खरीफ एज वेल एज रबी, खरीफ भी है और रबी क्रॉप भी है। वे 64% इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर इन द वर्ल्ड, इसका 64% जो है हमारे भारत में उगाया जाता है कैस्टर ऑयल का, और इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कैस्टर उगाने वाला देश माना जाता है भारत को। चाइना एंड ब्राज़ील का नेक्स्ट क्रोनोलॉजी, और उसके बाद चाइना और ब्राज़ील का नंबर आता है। अबाउट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात, इसका 80% भाग केवल गुजरात से ही आता है। आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर अदर प्रोड्यूसर, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसके दूसरे प्रोड्यूसर है जो कि उगाते हैं। इन गुजरात द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांसकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली एक्सेट्रा प्रोड्यूस इन लिटिल क्वांटिटी, ये सब थोड़ा कम क्वांटिटी में इन सब जो भी स्टेट हमारे गुजरात के स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कंपेरेटिवली कम क्वांटिटी में उगाया जाता है। ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज ऑल्सो आर यूज इंक्रीजिंगली एज एडिबल ऑयल, और इस तरह से जो कॉटन सीड्स हैं, सनफ्लावर है, पैडी है, मेज है, ये भी इनको भी एज अ एडिबल ऑयल यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हॉट बेवरेज, यानी कि गर्म पेय पदार्थ। टी, टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट, जो द टी लीव एंड इट्स टेंडर स्प्राउट्स आर प्रोसेस्ड एंड इट्स पाउडर एंड स्मॉल लीव्स आर यूज्ड एज ड्रिंक। बच्चों इसको प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद जो इसके लीव्स होते हैं उसको और जो उसके पाउडर को हम किस तरह से यूज करते हैं एज अ ड्रिंक। इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना, इंडिया प्रोड्यूस करता है ज़्यादा से ज़्यादा टी किसके बाद, चाइना के बाद। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर द लीडिंग टी एक्सपोर्टर, पूरे विश्व में श्रीलंका, चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। स्लोपी लैंड वेयर द वाटर इजिली फ्लोज डाउन गुड आयरन कंटेंट 22-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड अबाउट 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कमिंग इन फॉर्म ऑफ शावर्स थ्रू आउट द ईयर ऑफ फेवरेबल कंडीशन और टी प्लांटेशन। और इस तरह से जो चाहे स्लोपी रीजन हैं जहाँ पर इजीली फ्लो डाउन रहता है वाटर का, गुड आयरन कंटेंट्स होने चाहिए, 20-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल, इस तरह का जो पूरा उसके लिए फेवरेबल कंडीशन वाली जगह ही इसको प्लांटेशन किया जाता है। टी इज ग्रोन मोर इन आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, इतनी जगह में टी को ग्रो किया जाता है। आसाम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 75% टी ऑफ द नेशन, और इस तरह से आसाम और वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करता है 75% टी पूरे राष्ट्र का। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लक फ्रॉम द प्लांट्स, और इस तरह से जो टी के जो लीव्स हैं बहुत ही योग्यता के अनुसार कुशलता से तोड़ के उसमें से निकाले जाते हैं इसके टी के प्लांट में से। नाउ कॉफी, कॉफी इज हियर प्रोमोट द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्री इन सच अ वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफी लीव्स। बच्चों इस तरह से कॉफ़ी को जो जहाँ उगाया जाता है वो भी
सोर्स में लेकिन पेड़ों की छांव में उसको उगाया जाता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े उसके पत्तों पर। द कॉफी क्रॉप नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड स्लोपी माउंटेन में ऐसी रिक्वायरमेंट्स के लिए होती है। कॉफी इज ग्रोन इन एबंडेंस इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका इज वेल नोन रीजन फॉर कॉफी प्रोडक्शन। कुर्ग जो है कर्नाटका का काफ़ी ज़्यादा पहचाना कॉफी के लिए प्रोडक्शन का एरिया माना जाता है। कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स ग्राइंडेड एंड देन इट इज यूज्ड एज ड्रिंक। और इस तरह से कॉफ़ी सीड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके नट्स में से उनको पीस के बाद में इसके पाउडर से उसको पीने के काबिल बनाया जाता है। कोको, कोको इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सीड्स ऑफ द कोको फ्रूट। कोको फ्रूट के जैसे कोको को निकाला जाता है। कोको इज अ बीवरेज। चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोको। कोको से क्या क्या बनाए जाते हैं? चॉकलेट्स। और इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एक्सेसिव रेनफॉल। ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए और हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज आर इट्स मेजर प्रोड्यूसर। अफ्रीकन कंट्रीज है इसकी बड़ी तादाद में पैदावार करती हैं। कोको प्रोडक्शन इज ऑन इंक्रीज इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट्स। हमारे भारत में इन स्टेट्स में कोको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता है और डे बाई डे इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। नाउ कैश क्रॉप जिससे हमें पैसा मिलता है। कॉटन, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। कॉटन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। तो जो कॉटन को खरीफ क्रॉप माना जाता है और कैश क्रॉप माना जाता है गुजरात में और हमारे गुजरात का ही भारत का ही हिस्सा गुजरात और पूरे भारत में इसको कैश क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस इन द प्रोड्यूसिंग यूजेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। विश्व में भारत का जो दूसरा स्थान है कॉटन के उत्पादन में। और कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कहाँ से लिया जाता है? कॉटन प्लांट से। दिस कॉटन इज नोन एज वाइट गोल्ड इन इंडिया। इसको सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है भारत में। बिसाइड्स द कॉटन सीड ऑयल इज यूज एज एडिबल ऑयल एंड इट्स सीड्स एंड ऑयल केक्स आर यूज एज एनिमल फूड। इसके साथ साथ बच्चों को कॉटन सीड ऑयल है उनको एज ए एडिबल ऑयल यूज किया जाता है। उसका तेल निकाल के उसको खाने में हम उपयोग में लाते हैं। जो उसका बचा हुआ पार्ट जिसे ऑयल केक कहते हैं उसको एनिमल के फूड के काम में लाते हैं। ब्लैक आवर सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम। सॉइल विद प्लेंटी ऑफ मिनरल कंटेंट्स, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 30 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेट्रा आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द कॉटन। ये सारी चीज़ें जहाँ पाई जाती हैं वहाँ पर कॉटन ईजीली ग्रो किया जाता है। द ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज अबाउट 6 to 8 मंथ्स। फ्रॉस्ट डैमेजेस द कॉटन क्रॉप्स। बच्चों क्या होता है जो फ्रॉस्ट है उसकी फसल को नुकसान पहुँचाती है। इन इंडिया मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा एक्सेट्रा। ये सारे स्टेट्स हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के उत्पादन करते हैं, पैदावार होती है यहाँ पर। एज द फार्मर्स ऑफ द गुजरात हैव एक्सेप्टेड बीटी कॉटन सीड्स गुजरात स्टैंडफोर्ड्स इन इंडिया इन एरियाज ऑन प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ कॉटन। कॉटन इज ग्रोन मोर एम्स वेद नगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाना, बोटर, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पाटन डिस्ट्रिक्ट। बच्चों हमारे गुजरात में बीटी कॉटन सीड यूज किया जाता है। इससे भारत में जो गुजरात में बीटी कॉटन सीड यूज करने के कारण उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और इसकी प्रोडक्टिविटी कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है। तो ये सारे स्टेट जो मैंने बताया आपको सुरेंद्रनगर से लेकर पाटन तक यहाँ पर हमारे गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन को ग्रो किया जाता है। नाउ शुगर केन, ये भी दूसरी हमारी कैश क्रॉप है। शुगर केन इज मेजर क्रॉप इन इंडिया। मैक्सिमम शुगर केन इज ग्रोन इन इंडिया इन वर्ल्ड। इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर ब्राज़ील। शुगर, गुड़, खंड, सरी एंड अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ शुगर केन। हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं शुगर केन में से, चाहे वो चीनी है, गुड़ है, खांड है या कुछ और दूसरी भी चीज़ें बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती है? हमारी शुगर केन से। और साथ ही साथ जो ब्लैक फर्टाइल एल्यूवियल लावा सॉइल, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट,
210 टू 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर होती है। उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन एरिया, सो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन उगाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन। महाराष्ट्र जो प्रोडक्शन के मामले में वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में, जबकि उगाई ज़्यादा जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन गुजरात, और साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में ज़्यादा शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन किया जाता है गुजरात में। जूट, जूट हमारी इसके बाद थर्ड नंबर में हम इसको कैश क्रॉप में रखते हैं। इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम और जूट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट भारत में उगाई जाती है। द जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से। जूट क्लोथ, गनी बैग्स, मैट्रेसेस, रोब्स, बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम द जूट, ये सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। क्लोथ, गनी बैग्स, मैट्रेसेस, रोब्स, बैग, फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे आइटम्स हमारे जूट से बनाए जाते हैं। इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन विद चीप लेबर और बांग्लादेश इन जूट इंडस्ट्री, बांग्लादेश से हमारे चीप लेबर आते हैं, इस वजह से हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं जूट की। जूट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल ऑफ द बेंगाल रीजन वेयर न्यू सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड एवरी ईयर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। जूट जो है ये सारे इसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, और इट इज ग्रोन मोर इन द गंगा डेल्टा इज वेस्ट बंगाल, आसाम हो गया और उड़ीसा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पानी पाया जाता है जूट में ग्रो किया जाता है। उसकी कटिंग के बाद जूट की जो स्टिक्स को हम पानी में रखते हैं उसके रेशों को निकाल कर सुखाने के बाद उसे अलग अलग रस्सियाँ बना करके जो प्रोडक्ट्स इससे से कन्वर्ट कर रहे हैं उसको बनाया जाता है। नाउ टोबैको, टोबैको इज अ खरीफ क्रॉप, सैंडी लोमी लोमी सॉइल, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आर सुटेबल फॉर टोबैको कल्टिवेशन, ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती है वहाँ पर टोबैको उगाया जाता है। सॉइल इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट फॉर टोबैको कल्टिवेशन, सॉइल इसका मेन फैक्टर है कि किस तरह की सॉइल में इसको उगाया जाए। मेजर फोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच ग्रो एंड एक्सपोर्ट टोबैको आर चाइना, ब्राज़ील, इंडिया एंड यूएसए, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे चार कंट्रीज में उगाया जाता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक आर मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग टोबैको इन इंडिया, भारत में ये स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है टोबैको, और चारों तर रीजन ऑफ केरला डिस्ट्रिक्ट आनंद महसाना वडोदरा पंचमहल ग्रो मोर टोबैको, यहाँ पे ज़्यादा तंबाकू की फसलें उगाई जाती हैं। अबाउट 80% ऑफ डी टोबैको ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन गुजरात, 80% केवल गुजरात में प्रोड्यूस किया जाता है बीडी टोबैको। टोबैको इज यूज टू मेक गुटखा, बीडी, सिगरेट, स्नफ एटसेट्रा, और ये जो टोबैको है कंजम्पशन, इसका कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ, ज़्यादा या कम जो भी इसको यूज किया जाता है हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको गुटखा, जो सिक्किम स्टेट है वो पहला ऐसा स्टेट है जिसने कि टोबैको गुटखा को बैन किया है। नाउ रबर, रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल यूजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ट्री, रबर जो है प्रिपेयर किया जाता है जो कि मिल्क उससे निकलता है धीरे धीरे स्लोली सीप आउट होकर उसके द्वारा लेटेक्स ट्री के द्वारा उसके से हम बनाते हैं रबर। एसिटिक एसिड इज मिक्सड विद द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द रबर प्लांटेशन, एसिटिक एसिड को मिक्स किया जाता है मिल्क के साथ और उसके बाद रबर प्लांटेशन किया जाता है। देन इट इज हीटेड ऑन द लो टेम्परेचर टू ऑब्टेन रबर, और इस तरह से लो टेम्परेचर में इसको गर्म करके क्या हम प्राप्त करते हैं रबर। इट इज़ यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है जैसे कि लाइट, टायर्स, ट्यूब एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी रबर से बनाई जाती है। रबर प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल, ये सारी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। मलेशिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन रबर प्रोडक्शन, इन इंडिया केरला तमिलनाडु कर्नाटका आसाम एंड त्रिपुरा आर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और भारत में केरला तमिलनाडु कर्नाटका आसाम और त्रिपुरा में रबर उगाया जाता है। इस तरह से मैंने आज आपको ये सारे पॉइंट्स दिए कि सबसे पहले ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट सीड्स, मस्टर्ड, कोकोनट, कैस्टर ऑयल एंड हॉट बीवरेजेस, टी, कॉफी एंड कोको, उसके बाद मैंने आपको कैश क्रॉप समझाया, फर्दर शुगर